हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चलो आसान सा टॉपिक है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन ही है, जैसे चैप्टर नंबर 3 था कि न्यूमेरिकल्स करने हैं तो न्यूमेरिकल पोर्शन ही है। ठीक है, और जो थ्योरेटिकल है वो बिल्कुल आसान सा है, डेफिनेशन से। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, चैप्टर में दे रखा है, चैप्टर के नाम में ही दे रखा है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स मतलब एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का किससे मतलब होता है? स्पीड से। ठीक है, तो अभी जो केमिकल, केमिकल का मतलब यहाँ पे अपनी रिएक्शन से है, तो जो रिएक्शन है उसकी हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है, या किस स्पीड से वो रिएक्शन हुई है, या उसमें कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। ठीक है, कौन सा रिएक्टेंट है, किससे क्या फर्क पड़ता है, उनका ऑर्डर वगैरह निकालना है। ठीक है, किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो इस तरीके की जो भी हम काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर लेते हैं, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है भाई, अब आवाज आ रही होगी। उसके बाद आगे केमिकल काइनेटिक्स में डेफिनेशन दे रखी है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रेट स्पीड और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसकी स्पीड है या रेट। स्पीड का मतलब जो स्पीड है उसकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में रेट। ठीक है, रेट मतलब किस रेट के हिसाब से वो जा रही है रिएक्शन, तो रेट यूज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, या उसके फैक्टर्स देखेंगे। तो इसी ब्रांच को क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर। आगे छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल सुनते जाओ क्या है उसमें। स्टार्टिंग में जो टॉपिक है 4.2, पूरा बुक के हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या है जो टॉपिक, कौन सा आपका बुक में 4.2, उसमें कुछ करने का नहीं है, बस उसमें ये बता रखा है कि जो रिएक्शन होती है वो उसको तीन भागों में बांट रहे हैं। एक तो जिनकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। एक जिनकी स्पीड बहुत ही क्या है, कम, बहुत ही कम। और एक क्या है, मॉडरेट स्पीड। एक क्या है, मॉडरेट स्पीड। तो जो मॉडरेट स्पीड वाली है ये, इन पे ध्यान देना हमें, है ना, हमें इन पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली